देश में नवायु डारी। ओए, और सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के देखने से बर्तन साफ नहीं हो जाने, और छेती छेती हाथ चला, डिनर का टाइम हो गया, कस्टमर आने वाले ने। ओ यार, कोई सिखाओ इसी रनु कि बर्तन कैसे धोते हैं। फते, ये ले, बदामों वाली खीर बनाई है, आके तो देख कैसी है। बिगाड़ लो जितना बिगाड़ना है, रखो राजा महाराजा की तरह। रब ना करे जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो कैसे मैनेज करेगा ये। हाय चंगा मंगो जी, क्यों आएगी इस पे कोई मुश्किल? मैंने नहीं अपने बच्चे पे कोई मुश्किल आने देनी। हमारा फतेह तो पैदा ही हुआ है राजा बनने के लिए। रब करे बीजी, राजा बन के रहे आपका पोता। ओ हुण फिर किते खो गया, अब ऐसे ही खड़ा रहेगा कि हाथ पैर भी हिलाएगा? हाथ चलाओ भाई, जल्दी जल्दी। देखने में तो अच्छे घर का लगता है। सही कह रहे हैं यार, तौर शौर एडिंग। अभी कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा? अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। वो बुरे कर्म जिससे मैंने तेजो को दुख पहुंचाया है, जैस्मिन के साथ मिलकर। वाओ तेजो आंटी, आपने तो सचमुच बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना दिया। थैंक यू रिया, लेकिन अब हम इस चिड़ी मार को खड़ा कैसे करें? चिड़ी मार? अरे चिड़ी मार नहीं, स्केयरक्रो है। आओ मेरी हेल्प करवाओ। ये हो गया। तेजो आंटी, आपने ये सब कहाँ से सीखा? अरे जैस्मिन, ऐसे नहीं, ऐसे बना। मैंने कहा ना ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे बना ले। चल ये तो बन गया, इसके कपड़े पहनते हैं। मम्मी पापा देखो, तेजो और मैंने सीढ़ी मार को हीरो बना दिया। अरे वाह, ये तो सच में हीरो लग रहा है। तेजो आंटी, आपको अपनी मम्मा की याद आ रही है? रिया, आपको अपनी मम्मा की याद नहीं आती? रिया जाओ बेटा, खाना खा लो, खाने खाने का टाइम हो गया। मुझे अभी भूख नहीं है। बबली आई सर जी, रिया को खाना खिला दो। जी सर। नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे अभी तेजो आंटी के साथ बात करनी है। रिया क्या ड्रामा है, हॉस्टल में इस समय खाना खाते हो कि नहीं? खाते हो ना, गो ईट। चलो रिया बेबी, चलो उठो। ओए स्वीटी, ओह गॉड जस्सू, तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही। मैंने कहा था ना, कोई भी नहीं पहचान पाएगा मुझे देख के। अच्छा अब तू अभी रुक, मैं देख के आती हूँ। अंदर पता तो करके आऊँ कि आखिर अंगद तेजो को लेकर गया कहाँ है। जस्सू क्यों रिस्क ले रही है यार, तेजो चली गई ना तेरी लाइफ से, छोड़ दे उसका पीछा और अपनी लाइफ जी। स्वीटी तेजो मेरी लाइफ से चली तो गई है, लेकिन इस वक्त मेरी लाइफ में जो भी सियापे चल रहे हैं ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ तेजो की वजह से। अरे फतेह ने मेरे बचपन का सपना तोड़ दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस तेजो की वजह से, तो मैं क्यों चुपचाप बैठूं? मैंने भी इनका छीना उछाड़ के रख देना। जस्सू ये तो क्या बोल रही है, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। अब भूल जा सब कुछ, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं करूँगी तेरी हेल्प। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे कनाडा जाने का। यार देख स्वीटी, कनाडा मेरा सपना है और वो तो मैं पूरा करके रहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपना बदला पूरा करना है, और उसके लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि फतेह और तेजो इस वक्त कहाँ है। जस्सू ये क्या किया तूने? रुक जा, मैं भी निकालती हूँ। नहीं स्वीटी, इसको ऐसे ही रहने दे, अब तो ये जख्म मेरे बदला पूरा होने के बाद ही भरेंगे।
मिस्टर अंगद मान, कहाँ है वो? आप कौन हो? मिस्टर मान से क्या काम है आपको? अब मिस्टर मान से काम है तो उन्हीं को बताऊंगी ना। मिस्टर मान आउट ऑफ टाउन है कुछ दिनों के लिए। अपने फियांसे तेजो के साथ? देखिए, मैं अपने बॉस की पर्सनल लाइफ के बारे में आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा ओके, बट इतना तो बता सकते हैं ना कि वो अपने फियांसे को लेकर कहाँ गए हैं? I'm really sorry, I can't help you. अब चाहे तो अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे सकती हैं, मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। विजिटिंग कार्ड वो तो मेरे पास नहीं है, मैं भूल गई। You could name, please? नाम जान के आप क्या करेंगे? वैसे भी सर से मेरी मुलाकात काफी टाइम पहले हुई थी। बाय, थैंक यू। थैंक गॉड दस उसने तुझे पहचाना नहीं। ये उसका असिस्टेंट है ना, दिवाली पार्टी में बिठाना ही है। ओ यार मुझे सांस तो लेने दे, एक तो यहाँ पे मेरा काम नहीं हो रहा, ऊपर से तेरे सवाल खत्म नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि फतेह तेजो और अंगद के साथ ही है, इसीलिए क्यों मौका में दिखाई नहीं दे रहा? ओ स्वीटी, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। शायद तू ठीक कह रही है, कहीं वो तीनों साथ में तो नहीं है, कहीं हम दोनों का प्लान तो नहीं था। और तेजो की तो वैसे भी कोई सगाई वगाई नहीं हुई थी यार, कहीं वो दोनों इकट्ठे भाग तो नहीं गए? मुझे पता लगाने होगा दोनों आखिर कहाँ छुप के बैठे, ये तो हद ही हो गई है यार। और वो अंगद मान, इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो अपना ऑफिस अकेडमी ये सब छोड़ छाड़ के कहाँ गया? जरूर पता लगाना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा, कहाँ है ये तीनों। कम से कम तेजो मुझसे मिलकर तो जाती, क्यों चली गई वो? और इतना कौन सा जरूरी काम था उसे पटियाला जाना पड़ा? मैं विक्रम से कैसे छुपाऊंगा ये सब? छुपाना पड़ेगा पापा, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया ना तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। तुसी फिकर ना करो विक्रम साहब, तेजो बिल्कुल ठीक है। वो मैंने बताया था ना आपको कि वो अब अंगद का कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो उसी सिलसिले में गई है वो। फतेह तो चला गया, कम से कम तेजो यहां होती तो मन को तसल्ली रहती। किसी को मत बताइएगा कि हम कनाडा नहीं गए, कि हमारी शादी नहीं हुई है। मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हो गए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तेजो की है, पता नहीं कैसी होगी वो। रब्बा तूने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया, यहां मैं वीरक साहब को कुछ बता भी नहीं सकता। तेजो जी आई एम सॉरी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। आई एम रियली सॉरी। सॉरी तेजो जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन प्लीज समझिए, रिया डिफरेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो। अब देखिए इतनी जल्दी वो आपके साथ घुल मिलने लगी है, अटैच हो जाएगी, वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रहने वाली तेजो जी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे रिया से ना ज्यादा अटैच होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, वो एक छोटी बच्ची जिसे प्यार और अटेंशन की जरूरत है, और उसे ऐसे देखकर ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। और आपका मुझे समझ में नहीं आता है, आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो? बाकी सबके साथ आप अच्छे हो, लेकिन रिया की बात आते ही आप ऐसे। मुझसे बच्चे नहीं संभलते, सिंपल। ओ कैंडी बाहर, कैंडी जल्दी, कैंडी आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट आउट आउट। ये बात तो आप मुझे बिल्कुल मत कहना अंगद जी कि आपसे बच्चे नहीं संभलते, क्योंकि मैंने आपको दिलराज और कैंडी के साथ उछल कूद करते हुए देखा है। सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है आपकी, सबको अपना बना लेते हैं ऐसे ही आप, लेकिन रिया का? रिया दूसरों की तरह नहीं है तेजो जी। ठीक कह रहे हैं आप, रिया बहुत अलग है, वो बेटी है आपकी, आपको उससे तो सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। आप अपनी बेटियों पर ना जान लुटा देते हैं, और आप है कि क्या जानती हैं आप रिया के बारे में? कुछ भी नहीं। सो प्लीज जस्ट लेट इट बी तेजो जी। ऐसे क्या चीज हो सकती है जो अंकद जी को इतना परेशान कर रही है, और रिया के साथ वो ऐसे भी है? कुछ तो बहुत बड़ी बात है,
वरना अंगद जी ऐसे बंदे तो नहीं है। मम्मी क्या कर रहे हो आप? क्यों धो रहे थे? गुड्डी कर देती ना सुबह। वो बस मुझे ये जग ही चाहिए था। तो मुझे कह देते। एक बात बता माही, कनाडा में तो सारे काम खुद ही करने पड़ते होंगे ना। जैस्मिन मेरे फतेह का घर संभाल लेगी ना, वो मेरे बच्चे का ख्याल तो रखेगी ना। मम्मी वहाँ डिशवॉशर होते हैं और वहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ्स की हेल्प भी करते हैं। मिलवान के दोनों कर लेंगे काम। वैसे भी तो वीरजी उसके नखरे उठाते ही हैं, उससे इतना प्यार जो करते हैं। धो रहे होंगे उसके लिए बर्तन। ओ भरावा इन्ना भी ना रगड़ कि बर्तन ही गायब हो जान। अब अगर मैं जान ही इतनी है, बॉडी नहीं देख रहा उसकी, ऊपर से बेचारा पहली बार तो बर्तन मांज रहा है। वो पहलवान छेती छेती हाथ चला। पापा कहाँ थे सारा दिन आप? और ये क्या है? ना कोई शॉल ना कोई स्वेटर। पता है ना कि मौसम बदल रहा है, एक बार ठंड लग गई ना फिर आछू आछू करते हैं पूरे घर में घूमना। ओढ़िए इसे और आवाज लगाते रहना, तेजो चाय ला दे, तेजो मेडिसिन ला दे, तेजो ये कर दे, तेजो वो कर दे। तेजो तेजो तू ठीक तो है ना? तूने फोन भी नहीं किया। कहाँ चले गए थे जी आप? कब से फोन लगा रहे हो, फोन भी नहीं उठा रहे हो, क्या हुआ है? रूपी पुत्र कितने सी तू सारा दिन, सब ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फतेह तेजो और अंगद के साथ ही है, इसीलिए क्यों वो कभी दिखाई नहीं दे रहा? आखिर ये तेजो करना क्या चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? ये जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं अंगद फतेह और तेजो को मिलाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? आइए 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 आइए, दोनों करेंगे भाई डांस, कम ऑन सेंटर स्टेज। और मैं यहाँ पर भोली बनकर बैठी रही, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अरे मुझे क्या ध्यान था कि आप तो दोनों तरफ से लगी हुई है। फतेह और तेजो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रहने दीजिए जैस्मिन जी, करने दीजिए आज डांस। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा अंदाजा कभी भी गलत नहीं होता है। फतेह और तेजो को मिलवाने की प्लानिंग भी अंगद की ही है, और इस तिकड़ी का जो वरदान है ना वो भी अंगद ही है, क्योंकि तेजो तो उसूलों वाली लड़की है, वो ये सब कभी नहीं करेगी। और फतेह, फतेह थोड़ी ना तेजो को जाकर बताएगा कि मैंने तुम्हारी बहन को धोखा दिया है। इसका मतलब है कि ये सारी स्कीमें पक्का उस अंगद मान की है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये तेजो और अंगद है कहाँ, और वो जहां भी है उसमें क्या फतेह भी उनके साथ है। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है फतेह,
लेकिन इस बार तुम मेरी नफरत देखोगे। ओए जल्दी जल्दी काम करो, पियर भी नहीं। हाँ हाँ चलेगा। हीरो तू भी आ जियो, तेरे भी दुख दर्द कम हो जाएंगे। ओए सुन, आज उसने फिर आलू बैंगन बना दिए, तू जल्दी से नूडल्स बना के ला। मैं आता हूँ नूडल्स बना के। जल्दी करो, तैयारी कर दो। चलो ना अंदर बैठ के खाते हैं आराम से। कोई उठ गया ना तो हम गए काम से। वो क्यों गए काम से? ये अपनी बोटी के लिए नूडल्स बना के लाना कोई जुर्म है? किया था सब कुर्बान। खा के बताओ कैसी बनी है। निकला जैसे निकले जिस्म तो ना। साथ भी छुट्टे याद कहाँ खो गई आप? कहीं मैंने यादों के पिटारे को तो नहीं छेड़ दिया तेजो जी? आपको भूख नहीं लगी? बहुत लग रही है। वैसे दोनों कनाडा पहुंच चुके हैं। जैस्मिन की पोस्ट देखी मैंने, काफी खुश लग रहे थे, शॉपिंग वॉपिंग गए हुए थे। अंगद जी, हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? वो मेरा एक गुजरा हुआ कल था, और वैसे भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं क्या जी, क्या सोच रहे हो आप? तेजो की याद आ रही है ना आपको? बेबी मुझे पता है इनको तेजो की याद आ रही है, पर आप अगर मेरी तेजो को इतना याद करेंगे ना तो उसको सारा दिन हिचकिचाती रहेंगी। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर की याद आ गई थी। आज तुझे खाना मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। आ मेरा बच्चा, बेबी के हाथ से खाना खा। अब क्या है ना कि बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। खा मेरा बच्चा। बेबे, बाबा जी तो आपकी अरदास हमेशा सुनते हैं ना, तो मेरी तरफ से भी बोलना उनको, मेरे तेजो को सदा खुश रखे। अरे पगले, ये भी कोई कहने की बात है? हमें भी तेजो का उतना ही फिक्र है जितना तुम्हें। अंगद जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। जी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्या हो गया? आसपास के लोग हमें ऐसे एक साथ देखेंगे तो
आप तो जानते हैं कि अगर पिंडों में बिना शादी के कोई एक साथ रहे तो लोग हजारों बातें बनाते हैं, और मैंने चाहती कि हमारे लिए भी लोग ऐसी कुछ बात बनाए, इसलिए। हाँ, लेकिन जैस्मिन भी तो फतेह के साथ रहती थी, वो भी परिवार के साथ। उनकी बात अलग थी अंगद जी, वो एक दूसरे से प्यार करते थे और फैमिली के साथ रहते थे। ठीक है, समझता हूँ मैं, पर इसका हल है मेरे पास, आंखें बंद कीजिए। अरे क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, जल्दी खोलिएगा मत, सरप्राइज है।